मूंग दाल के खास्ता कचौरी। नमस्ते, शीला के रसोई में आपका स्वागत है। फूली फूली खस्ता हलवाई जैसी मूंग दाल कचौरी चलिए बनाते हैं। इसके लिए मूंग के दाल 200 ग्राम ले लिए हैं, उसको पानी से साफ कर लिए हैं। इसको उबलने के लिए देंगे। गैस पर पानी गर्म हो रहा है, उसी में दाल को साफ कर लिए, इसमें डाल देते हैं। ये मूंग दाल है, इसमें नमक आधा चम्मच और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देते हैं। इसको ढक करके उबलने देते हैं। अब क्या करते हैं, पहले चलते हैं आटा का डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए क्या किए हैं, 2 कटोरा शीशा वाला जो बॉल है जिसमें सूजी है, ये सूजी है, इसे 2 कटोरा गेहूं का आटा लिया, 1 कटोरा सूजी। इस तरह से हम लोग खास्ता कचौरी बनाते हैं। इसमें 2 चम्मच घी डाल दिए हैं और 2 चम्मच रिफाइंड तेल। बहुत टेस्टी आपको कचौरी तैयार होगा। जमाइन है वो थोड़ा सा जमाइन डाल दिए, हल्का सा नमक, क्योंकि स्टफिंग में भी नमक डालेंगे इसीलिए नमक का मात्रा कम डालें। अब इसको अच्छी तरह से गूथ लेना है, आटा को डो तैयार कर लेना है। आप मैदा का भी कचौड़ी बना सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए गेहूं सूजी दोनों बहुत फायदेमंद होता है। अब पानी के सहारा लेकर के आटा को गूंथ लेना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके आटा गूंथ लेना है। न करा सा गूंथना है और न बहुत सॉफ्ट, बीच वाली जो होती है उस तरह के। जैसे रोटी हम लोग बनाते हैं तो रोटी थोड़ा गीला भी आटा रहता तो चलता है, लेकिन इसको गीला नहीं बनाना, थोड़ा कड़ा ही रहेगा तो कचौरी खास्ता ज़्यादा बनेगा। अब इसको ढक देते हैं, 15 मिनट के लिए रेस्ट होगा। तब दाल जो है वो पक चुका है, मूंग का दाल। इसको छन्नी में छान लिए, पानी हट गया। अब इसको एक प्लेट में डाल करके हवा में रख देते हैं पंखा के नीचे। तो ये हाथ से ही महीन हो जाएगा, इसको मिक्सी में पीसने की जरूरत नहीं। अच्छी तरह से उबल गया है दाल, और दाल को जो है छौंका लगाएंगे। इसके लिए कढ़ाही गर्म हो रहा है गैस पर, कढ़ाही मतलब पेन। 2 चम्मच सरसों के तेल डाल देते हैं। जीरा 1 चम्मच डाल दिए। जीरा जब चटक जाएगा तो हींग डाल देते हैं। कचौड़ी में हींग डालने से बहुत टेस्टी लगता है। हरा मिर्चा कटिंग करके रखे हुए वो डाल दिए। हल्दी का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्चा का पाउडर, 1/2 चम्मच काला मिर्चा का पाउडर, और काला मिर्च 1/2 चम्मच, और हल्का सा नमक, नमक स्वाद अनुसार। और धनिया पत्ता डाल करके भून दीजिए। अब इसमें दाल जो है वो डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करके भून लीजिए। इस तरह से दाल जो है, अभी लग रहा है आपको दाल गीला है, लेकिन दाल जब फिर ठंडा होगा तो फिर अच्छी तरह से पूरा भुरभुरा दाल हो जाएगा। ऐसे हम स्टफिंग करेंगे ना तो उस तरह का दाल हो जाएगा। अभी तो गीला लग रहा है, मूंग का दाल है। अब हवा में जब इसको हल्का सा हवा पंखा के नीचे रख देते हैं, देखिए भुरभुरा हो गया ना इसी तरह का। अब क्या करते हैं, छोटा छोटा हाथ से छोटा छोटा गोल तैयार कर लेते हैं, छोटा छोटा लोई की तरह, या तब उसमें भरेंगे। ऐसा करके बना कर रख लेते हैं तो क्या होता है, जब स्टफिंग करेंगे तो दिक्कत नहीं होती। ऐसे करके रख लीजिएगा तो खूब अच्छे से भर आ जाता है, या वैसे भी ऐसे नहीं करके रखिएगा तो वैसे भी भर सकते हैं।
पूरा वीडियो देखिएगा, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए आटा कितना सॉफ्ट है, एक बार फिर से ऐसे मिला दिए। अब जितना बड़ा आपको कचौरी बनाना है उतना बड़ा लोई ले करके मूंग दाल का कचौरी बहुत टेस्टी लगता है खाने में, और भी मसालेदार हो गया। अब इसको इस तरह से कटोरी बनाकर उसमें एक फोड़ डाल दीजिए और फिर हाथ से मोड़ करके, हम क्या करते हैं चकला बेलना पर नहीं बेल करके कचौरी हाथ से ही ठोक देते हैं। देखिए इस तरह से हम, देखिए ऐसे हम कचौरी बनाते हैं। अगर इस तरह से आप लोग भी बनाइएगा एक बार मेरे स्टाइल का कचौरी ज़रूर बनाइएगा। और हलवाई जैसी मूंग दाल का कचौरी है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं वैसे, घर का ताज़ा हो गया कचौरी इस तरह से बनाते हैं, बच्चे लोग भी खाएंगे। सब्जी का ज़रूरत नहीं है इसमें, एकदम आप रायता बना लीजिए, दही का रायता, इमली का चटनी इसके साथ भी खा सकते हैं। अगर छोला के साथ खाना है तो छोला भी खा सकते हैं। इधर कढ़ाई में तेल जो है रिफाइंड बना रहे हैं, गर्म है, गैस को हाई फ्लेम करके तेल को गर्म कर लेना है, फिर लो फ्लेम कर देना है, तब अच्छी तरह से तलना है। देखिए कितना क्रिस्पी कचौरी बनेगा। गेहूं के आटा में अगर सूजी मिलाकर बनाते हैं तो बहुत खस्ता कचौरी बनता है, एकदम खस्ता करारी कचौरी आता है। देखिए कितना अच्छा कचौरी। इसी तरह से बारी बारी से सबको बना लीजिए, फ्राई कर लीजिए कचौरी को, पूरा एकदम लाल लाल कचौरी तैयार होगा। कितना फूला फूला है कचौरी, इतना फूला कि हल्का फट भी गया। अब इसको सर्व करने के लिए दिखा रहे हैं, देखिए इस तरह से आप लकड़ी के डलिया में भी रख सकते हैं कचौरी, आप प्लेट में भी रखकर खा सकते हैं। और ये इमली का चटनी है और ये दही का रायता, ऊपर से थोड़ा धनिया का पत्ता डाल दें, फिर हरा मिर्चा फ्राई करके भी रख सकते हैं, हम कच्चा ही रख दिया। देखिए कितना क्रिस्पी, ओ वाओ कितना,